इनमें से कितने लोगों ने मुझे डांस इंडिया डांस में देखा था? मीन बहुत से लोगों ने देखा था दोस्तों। मेरी डांस इंडिया डांस के जरिए मेरी करियर की शुरुआत हुई थी। मैं डांस करता गया और आप लोगों ने मेरे डांस को देखा हो कि मेरी पूरी बॉडी का वेट मेरे हाथों पे लेना पड़ता है। तो दोस्तों डांस करते करते मेरे दोनों शोल्डर को सुप्रा स्पाइनस मसल्स मेरे फट चुके थे। मुझे मुंबई में, बैंगलोर में और गुजरात में बहुत से बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, लेकिन सब ने मना बोल दिया कि कमलेश जी आपके दोनों शोल्डर्स को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि आपको डांस को अलविदा कह दो। मुझे उन बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मुझे डांस छोड़ने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। कई कई बार मैं हिम्मत हार जाता था, लेकिन मैं अपने आप में वो कुछ चीज मानता था, अगर मैं लाखों लोगों को, पूरी दुनिया को मोटिवेट करता हूं, अगर मैं खुद मोटिवेट हो जाऊंगा तो लाइफ में मेरा और मेरे जरिए जो लाखों लोग इंस्पायर होते हैं उन लोगों का क्या होगा। लेकिन एक माय लाइफस्टाइल एक मेरा सहारा बना। माय लाइफस्टाइल के इसी प्रोडक्ट जो हमारे दिगंबर सर के माध्यम से, किशोर सर के माध्यम से उन्होंने मुझे सलाह दिया था कि कमलेश भाई आप ये प्रोडक्ट शुरू करो। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैंने वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू किया, मैं करीबन एक महीने तक मैं घर पे रहा था क्योंकि डॉक्टर ने मना बोल दिया था। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मेरे हाथ ऊपर भी नहीं हो रहे थे, लेकिन उस प्रोडक्ट के जरिए जब मैं इस्तेमाल करना शुरू किया, दोस्तों इस मंच से मैं सच बताना चाहता हूं क्योंकि हम कलाकार, ये मंच हमारे लिए भगवान के समान होता है। जब उस प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों, 15 दिन के अंदर ही मैंने अपने स्टेज शो शुरू कर दिए थे। और जिस वो एनर्जी से साथ मैं काम करता था, इनसे 4 गुना एनर्जी के साथ मेरी एज आज 42 ईयर्स है, और इतनी एज में इतनी एनर्जी के साथ अगर मैं डांस करता हूं तो वो सिर्फ एक ही चीज है, माय लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट। मैं यहां पे कोई कंपनी का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया हूं। मुझे यहां पे इसलिए लेके आते हैं कि मेरे परिवार के, माय लाइफस्टाइल के लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और आखिर में एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि दोस्तों आज मेरे पास पैर नहीं है। अगर मैं बिना पैर डांस की दुनिया में नाम कमा सकता हूं, बिना पैर मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंच सकता हूं, बिना पैर मैं अमेरिका जैसी धरती से, भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड जीत के आ सकता हूं, तो दोस्तों भगवान ने आप लोगों को 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और इतना बड़ा माय लाइफस्टाइल परिवार दिया है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो दोस्तों आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। जय माय लाइफस्टाइल। भारत माता की। हमने दिखा दिया कि हम हमारे अंदर बहुत ताकत है। नाम मृणाल बंसलकर, आज आपके सामने फर्स्ट लेडी यूटीसी करके खड़ी हूं, लेकिन मुझे ये पक्का मालूम है कि मैं थोड़ा सा आगे इस माई लाइफ स्टाइल में आई करके आज आपके सामने फर्स्ट लेडी यूटीसी हूं, लेकिन यहां पर खड़ी हुई हर महिला में वो ताकत है कि ये यूटीसी बन के ही रहने वाली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे लिए यूटीसी के आगे की भी पायदान तैयार हो जाएगी। सबको, पूरे मैनेजमेंट को तहे दिल से नमस्कार। सारे जो हमारे लोग आज चेन्नई से मुंबई आए हुए हैं, ऐसे हमारे कैलाश भट्टर सर, सलील मैथ्यू सर, सुनील सिंह सर, सभी को तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, वंदन। और हमारे 24/7 मैन आलोक पांडे जी को दिल 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 से नमस्कार। और ये संकल्पना जिन्होंने लाई, ये संकल्पना के जनक और फिर जिन्होंने आगे लाई ये संकल्पना, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन एमडी हमारे प्रिंस निखिल चंदन सर जी को भी तहे दिल से मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं एक ही हमेशा बोलती हूँ एक चीज कि हम लेडीज में ऑलरेडी नेटवर्क करने की ताकत होती है। वी आर बॉर्न नेटवर्कर्स। हम पहले मायके में रहते हैं, पहले स्कूल कॉलेज में रहते हैं, तब हम हमारा नेटवर्क बनाते हैं, हमारे मायके में नेटवर्क बनाते हैं,
हमारे फ्रेंड्स, हमारे मौसी, हमारी दादी, हमारी बुआ, ऐसा पूरा नेटवर्क हम बनाते हैं और हमारे ही अंदर वो ताकत होती है कि वो पूरा नेटवर्क छोड़ के हम जब ससुराल जाते हैं वहां पे भी नया नेटवर्क बना सकते हैं। सो ये नेटवर्क बनाने का काम हमारे खून में है, हमारे खून में है, उसको सिर्फ बिजनेस। नमस्कार, आज हमने दिखाई दिया, हमने दिखाई दिया कि हम भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक मौके की तलाश में थे हम लोग। बाहर लोग बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। यहाँ पे हमने दिखा दिया कि हम हमारे अंदर बहुत ताकत है। नाम मृणाल पणसरकर, आज आपके सामने फर्स्ट लेडी यूटीसी करके खड़ी हूँ। लेकिन मुझे ये पक्का मालूम है कि मैं थोड़ा सा आगे इस माइलेज स्टेट में आई करके आज आपके सामने फर्स्ट लेडी यूटीसी हूँ। लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई हर महिला में वो ताकत है कि ये यूटीसी बन के ही रहने वाली है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे लिए यूपीसी के आगे की भी पायदान तैयार हो गए। सबको, पूरे मैनेजमेंट को तहे दिल से नमस्कार। सारे जो हमारे लोग आज चेन्नई से मुंबई आए हुए हैं, ऐसे हमारे कैलाश भट्टर सर, सलील मैथ्यू सर, सुनील सिंह सर, संकल्पना जिन्होंने लाई, ये संकल्पना के जनक और जनक और फिर जिन्होंने आगे लाई ये संकल्पना, ऐसे नेक्स्ट जनरेशन एमडी हमारे हमारे प्रिंस निखिल चंदन सर जी को भी तहे दिल से मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं एक ही हमेशा बोलती हूँ एक चीज कि हम लेडीज में ऑलरेडी नेटवर्क करने की ताकत होती है। वी आर बॉर्न नेटवर्कर्स। हम पहले मायके में रहते हैं, पहले स्कूल कॉलेज में रहते हैं, तब ताकत होती है कि वो पूरा नेटवर्क छोड़ के हम जब ससुराल जाते हैं वहां पे भी नया नेटवर्क बना सकते हैं। सो ये नेटवर्क बनाने का काम हमारे खून में है, हमारे खून में है, उसको सिर्फ बिजनेस का रूप देने की जरूरत है। हम सारे हमारे एक्सक्यूजेस अगर बाजू में रखेंगे, हमारा एक ही प्रॉब्लम है हम सबके लिए कि वो क्यों कर सकती है क्योंकि उसको क्या प्रॉब्लम नहीं है, और मैं क्यों कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम है। इसमें से हम अगर बाहर निकल जाए तो यहाँ पे खड़ी हुई हर लेडी मृणाल पणसरकर बन सकती है, बन सकती है। मैंने जब शुरुआत की थी कोई नहीं, और मुझे पक्का मालूम है कि यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ हम कहीं पर भी भटकेंगे नहीं, और हमारा एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य अगर बिजनेस में रखते हैं तो डेफिनेटली हम भी वो ताकत रखते हैं जो हमारे सारे जेंट्स लोग रखते हैं। हमने वो ठान लेना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। एक बार सारी लेडीज यहाँ की वहां की बोलेंगी यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई हैव डन इट, यस होता सपने को मिला है। हम यहाँ कोई भी बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। वुमन एम्पावरमेंट यहाँ पे हमने करके दिखाई है। हम यहाँ पे इतनी सारी वुमन, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस में आने से पहले फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो आज है। आज हम जो चाहे तो हमारे लिए खरीद सकते हैं, जो चाहिए हम गिफ्ट दे सकते हैं, जो चाहिए हम कर सकते हैं। यही पावर है माय लाइफ की, यही पावर है अपने बिजनेस की, और यही पावर है जो जिन्होंने हमें दी है वो हमारे संकल्पना के जनक प्रवीण जय चंदन सर जी की। तो मैं आपके साथ हूँ और आज इतने सालों के बाद भी
वो उन्होंने बोला हुआ आज भी सच है और वही सच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है जहाँ मैं अकेली थी आज इतना बड़ा कार्यक्रम। तो आप सभी को यहाँ पे खड़े हो उनको भी, वहाँ पे बैठे हो उनको भी, सभी को विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराज, जय।